तो देख सकते हैं फेज थ्री के लिए बड़ा तेजी से काम चल रहा है यहाँ पे, पूरा घेर दिया गया जैसा देख सकते हैं टीन सीट से यहाँ पे। तो हर हर महादेव सभी लोग को, इस समय आ चुका हूँ काशी विश्वनाथ धाम के अंदर और देव दीपावली तैयारी चल रही होगी। कल है 15 नवंबर देव दीपावली, आज है 14 तारीख और तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। 12 लाख दिए थे जम्मू घाट और ललिता घाट के जस्ट सामने आपको होगा आतिशबाजी होगी। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी तैयारी, ये वीडियो बने रहिएगा। हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भयंकर लाइन लगी हुई है दर्शन करने वालों की। और आज है 14 तारीख, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, देख रहे हैं आप यहाँ पे जूता चप्पल रखने के लिए बनाया गया है यहाँ पे प्रसाद वगैरह या मोल। ये देखिए, चलते भी इनकी आगे दिखाते हैं पूरे देव दीपावली तैयारी भी। कल 15 देव दीपावली है। देखिए सकते हैं यहाँ पे भी तैयारी चल रही है पूरी देव दीपावली की। ये देखिए, सोचिए भयंकर बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है। मतलब आज रात से आपको भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि जानते हैं काशी में महापर्व के रूप में मनाया जाता है देव दीपावली। काफ़ी इसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैंड बनाया गया रखने के लिए, ये सोचते हैं ये तो चप्पल रखे गए यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा उधर साइड दिखाते हैं आपको, मनका घाट साइड। तो आप ये देख सकते हैं इधर पूरा घेर दिया गया, इधर नहीं जा पाएंगे अभी साइड, अभी जाना हो तो बाढ़ समय से घिरा गया है। तो आप देख सकते हैं इस साइड से नहीं आ पाएंगे क्योंकि पूरा घेर दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो चलते उधर से बाहर दिखाते कल के आपको। तो देखिएगा मात्र रास्ता जाने के लिए यहाँ से सामने से, मनगंगा घाट बंद हो गया कि मनगंगा घाट से लोग भी खड़े होकर आतिशबाजी देखते थे। देखिए पूरा गिन वेट ला घेर दिया गया इसको, जैसा कि देख रहे हैं सामने सतुआ बाबा का आश्रम है ये। चलिए अब जल्दी इधर से हम लोग। तो ये है मनगंगा घाट, पूरा देख सकते हैं यहाँ से पूरा इसको घेर दिया गया है ये इस, और इधर भी देखिए पूरा घेरा जाएगा, एंगल बनाया गया है ना ये। तो आप देख सकते हैं इधर से मशीनें खड़ी हैं यहाँ पे। थोड़ा सा हल्का सा रास्ता खड़ी वहाँ से निकलने के लिए है, उसका भी लग रहा घेरी देंगे, देखिए क्या करते हैं। हर जगह डिवाइडर बना दिया गया है, जैसे जैसे सामने यहाँ पर आतिशबाजी होगी तो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको साथ दिखे तैयारी हो रही है वहाँ पे सामने। ये देखिए इधर बाबा मसाना का मंदिर है ये सामने, और जस्ट हम लोग इधर चलते हैं इस साइड। ये आ गए हम लोग, इधर आ गए, इधर से देखिए, देखिए इधर भी पूरा घेर दिया गया जैसा देख रहे हैं आप इस साइड से। देखिए मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ साइड से, देखिए यहाँ तक। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मूत रहे हैं लोग, और देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है। चलते इधर भी दिखाते हैं आपको, देखिए आप देख रहे हैं पूरा यहाँ तोड़ा गया है ना जैसा।
देखिए यहाँ से पूरा घेर दिया गया इस साइड से, इधर से खाई थोड़ा खास रास्ता खाई जाने के लिए है। और सामने से उधर से अगर आएंगे मंदिर से तो इधर नहीं आ पाएंगे। इधर से बता दिया हमको बिरला भवन था, ये करीब 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। चलिए हम चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर, इधर से आ गए हम लोग इधर। अब इधर से आप देखिए, एक बार दिखा देता हूँ मैं इधर से भी। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उधर से भी देख लीजिए आप एक बार इस साइड से। यहाँ जो पानी गिरता था उसको बंद कराया गया, गिर रहा है लेकिन हल्का गिर रहा है। देख लो उसी किनारे से लोग जा रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से तो यहाँ पे मिट्टी उठा के यहाँ डाला जा रहा है साइड में। ये देखिए जैसे ये पूरा घिरा के जैसे दिखा रहा हूँ आपको ना। तो इधर से पूरा हिस्सा देख सकते हैं घेर दिया गया इस साइड से। उधर से कोई देखना क्या है तो आतिशबाजी नहीं देख पाएगा। देखिए मैं कोई इधर से भी दिखा दे रहा हूँ साइड से भी। साफ सफाई चल रहा है इधर भी। तो यहाँ भी झालर वाले लगेंगे ही। देखिए सब पूरा झालर लगाया गया, मैं दिखाई चुका हूँ रात में आपको यहाँ का। ये देखिए इधर ये सब पूरा वाइड एंगल दिखा रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर। सामने आप देख रहे हैं ना, ये है आपका जियो टावर है। और जैसे आप लोग विंटर में बाहर आने आते हैं यहाँ पे बनारस घूमने के लिए, तो आपको देख सकते हैं सैवरी मच्छी भी आ चुके हैं। देखिए ये सब देखिए, आपको जेटी बन गया यहाँ पे। तो देख सकते हैं मना किया जा रहा है, इधर लोग जा रहे हैं तो देखिए, क्योंकि इधर अलाउ नहीं है आगे जाना। ये पानी भी है, देखते देखते यहाँ पे साफ सफाई किया गया है। नहीं नहीं जेटी पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। हर जगह डिवाइडर बनाया गया, एक लेन से नाव चलेंगी। दीदी पॉलीपुर जानते हैं कि काफ़ी भीड़ होती है। कल यहाँ पे पूरा भीड़ रहेगा, पूरा जाम रहेगा रास्ता एकदम। कल जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का नहान भी है, दीदी पाली की कल है। भीड़ देखे खाली बस, यहाँ से सब बाहर के लोग आए हुए हैं श्रद्धालु। देख रहे हैं आज से ही, रात से ही भीड़ स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आने लगे हैं लोग। ये तो देखिए आप, यहाँ देख रहे हैं मान मंदिर घाट है ये। मान मंदिर घाट यहाँ पे भीड़ वैसा ही है। तो जैसे बताया ना आपको, भीड़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, बंपर भीड़ होगी सराहना चाहेंगे कल, क्योंकि लेजर सब आता है इस बार ही, सब लोग देखते हैं। चलिए दे देंगे। ये देखिए इधर से आ रहे जा रहे लोग। कई लोग हैं यहाँ? इधर सामने से बंद रेलिंग लगा दिया गया, क्योंकि प्रोग्राम होता है यहाँ पे, हाई लास्ट रहेगा यहाँ पे प्रोग्राम। तो देखिए यहीं पे आज लास्ट देख रहे हैं 12 से 14 यहाँ पे। हम लोग आगे राजेंद्र पत्थर घाट पे आ गए हैं।
देख रहे सदा लोग आ रहे हैं यहाँ से। ये आप देखें यहाँ से 50 मिनट की भीड़।